हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने सनसार टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसान वे में। और मैं आपको इसमें कुछ स्टेप बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बिगिनर यूट्यूबर जो होते हैं, शुरू के यूट्यूबर होते हैं, उनको 1000 सब्सक्राइबर गेन करना और 4000 घंटे का वॉच टाइम इसको कंप्लीट करना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन आज मैं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मेरे पास अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है जो मैं आपको एडवाइस दूं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया इसके यूट्यूब के ऊपर के वीडियो कैसे रैंक होती है, क्या करना पड़ता है और कैसे वॉच टाइम जो पूरा करना पड़ता है 4000 घंटे का वॉच टाइम जो उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, और साथ ही में 1000 सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो में आपको ज्यादा नहीं 4 स्टेप बताऊंगा, जिस 4 स्टेप को अगर आप कर लेंगे तो आपका मैं कहता हूं 100% आपके भी 1000 सब्सक्राइबर आपको गेन हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपका भी मोनेटाइजेशन जो है इनेबल हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप सीरियस अपने यूट्यूब चैनल को लेकर तो आप जरूर इस वीडियो को वॉच करिए। इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिसको आप करके आप आसानी के तरीके से आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो अब देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहली जो बात है, जो मैं 4 चीजें मैं पहले बताऊंगा इसमें, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जो बिगिनर यूट्यूबर होते हैं वो गलती या क्या करते हैं ज्यादातर कि वो जो टॉपिक जो ढूंढते हैं, ऐसी टॉपिक होती है जिसकी जो वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस पर ही होती है, लाखों वीडियोस पर ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि वो लोग क्या बनाते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ जीमेल आईडी, हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब इस टॉपिक इस तरीके से बनाते हैं कि फेसबुक कैसे बनाए, फेसबुक का अकाउंट कैसे डिलीट करे। देखिए ये टॉपिक अगर आप बना रहे हैं और बिगिनर के यूट्यूबर हैं, शुरू के यूट्यूबर हैं, तो आप इस टॉपिक पर अगर वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियो ना तो रैंक करेगी और न ही आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, न व्यूज आएंगे तो न सब्सक्राइबर मिलेंगे, न सब्सक्राइबर मिलेंगे तो फिर न वॉच टाइम न कुछ। तो टॉपिक जो है आपके शुरू में ऐसी टॉपिक नहीं ढूंढनी है जो जिसकी वीडियो हजारों पड़ी है। अब बात यह है कि टॉपिक लाए कहां से, क्योंकि टॉपिक लाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक दो टॉपिक लाते हैं उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपको बता दूं टॉपिक लाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप तो यूट्यूब जो चलाते हैं, क्योंकि आप एक यूट्यूबर है तो आप तो यूट्यूब चलाते ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका यूट्यूब पे ही जाता होगा, तो वहां पे आप सर्च करते होंगे, वहां पे बहुत सारी वीडियोस जो भी ट्रेंडिंग वीडियोस होती है आपको पता चल जाता होगा कि ये आज ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग है। और ज्यादातर ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि इस वीडियो जो आजकल जो रैंक में चल रही है कौन सी वीडियो है, मतलब कौन सी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, और ये बहुत आसान तरीके से हर किसी के पास पहुंच जाता है। और मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वीडियोस जो ट्रेंडिंग में होती है वो आपके चैनल से, जो आपके कैटेगरी चैनल का जैसे टेक हो, वो कोई भी हो, उससे रिलेटिव नहीं होता, मतलब उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो आप इससे टेंशन न लीजिए, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी जो है, जिनके अभी काफी ज्यादा सब्सक्राइबर, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो जब शुरू में वीडियोस बनाया करते थे तो वो जो है उसका टेक्निकल चैनल है उनका, लेकिन वो जो इनका क्या कहते हैं, जो कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आती थी तो उसी ट्रेंडिंग पे वीडियो बनाते थे, वो किसी जो कैटेगरी के फॉलो नहीं करते थे शुरू में, लेकिन जो वीडियोज ज्यादातर अपलोड क्या करते थे, लेकिन जो है जो भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक आती थी उस पर वो जरूर वीडियोज बनाते थे। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करिए कि कोई भी जो टॉपिक चल रही हो, जैसे कि मैं अभी बता दूं, अभी जो फेसबुक जो है, अभी टिकटॉक का अकाउंट जो उसका बैन हो गया है, जिसको 13 मिलियन सब्सक्राइबर थे, इतने ज्यादा थे जो फॉलोअर थे, उसका अकाउंट जो बैन कर दिया गया, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गई, क्योंकि इस पे लोग जो सर्च करेंगे क्यों बैन हुआ, क्या हुआ, तो आप क्या करिए, आप पता करिए कि क्यों बैन हुआ, उसके बाद जो इस पे कुछ अपनी ओपिनियन दीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं की वीडियो लाके आप अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए, इस पे स्ट्राइक भी आ सकती है, तो आप ऐसा ना करिए, बल्कि आप करिए ये कि क्या वजह क्या है, क्यों बैन हुआ है, तो इस ये चीज को आप बैन करिए तो आपकी एक ट्रेंडिंग हो जाएगी और ये वीडियो जो है आपकी सबसे पहले चली जाएगी ऊपर में, क्योंकि अभी जो ज्यादातर वीडियो होती नहीं इस टॉपिक पे, तो इस पे आपको वॉच टाइम मिल जाएगा, सब्सक्राइब मिल जाएंगे और बहुत ही बेनिफिट होगा। ये इस तरीके से आप ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं और ये ट्रेंडिंग टॉपिक लाइए और आप इस तरीके की वीडियो ना बनाइए जिसमें फेसबुक को कैसे बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाए, व्हाट्सएप का ये ट्रिक कैसे जाने, ये सब ना बनाइए तो आपका बेनिफिट होगा शुरू में। और मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने इस चीजों को शुरू में बनाया ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक, अच्छी टॉपिक लानी है, घिसी पिटी टॉपिक को बिल्कुल नहीं लाना है, तो सबसे पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये है कि जो ज्यादातर वीडियो को आपको रैंक करवाती है वो चीज है टैग।
लेकिन टैग में क्या करते हैं मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो है जो शुरू किया है बिगिनर यूट्यूबर है वो टैग जानते नहीं कि टैग होता क्या है, वो टैग लगाना भी नहीं जानते कि टैग कैसे लगाते हैं, और जिनको पता भी है टैग लगाना तो वो टैग ऐसी लगा देते हैं जैसे कि मैं बता दूं कोई एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन आती है जिसमें टैग आपको फाइंड आउट करके देता है, लेकिन उस टैग में क्या करते हैं वो क्या जितनी टैग्स आते हैं सबको कॉपी करता है लाके डायरेक्टली पेस्ट कर देता है। ये भी आपको नहीं करना है, आप टैग लाइए आपको जो है उसमें से लीजिए, एप्लीकेशन है मैं नहीं कहता कि वहां से ना लीजिए, वहां से भी लीजिए दो तीन लीजिए टैग, और उसके बाद जो आप आइए और उसके बाद जो है अपने हिसाब से टैग उसमें कस्टमाइज कीजिए कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं, इस टॉपिक आप वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ये चीज को लगा के आप टैग लगाइए। और टैग लगाना बहुत ही आसान है, अगर टैग लगाना आप सीख जाएंगे इसी को कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, कीवर्ड लगाएंगे टैग लगाएंगे तो आपकी वीडियो जब फर्स्ट में रैंक करेगी, जब फर्स्ट में रैंक करेगी तो अगर कोई सर्च करेगा इस टॉपिक पे तो आपकी वीडियो सबसे पहले आएगी और आपकी वीडियो देखी जाएगी, इसमें आपको वॉच टाइम सब्सक्राइबर सब कुछ मिलेगा बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सेकंड पे आपको कि आपको टैग जो अच्छा फाइंड आउट करना है और अच्छा टैग लगाना है, और टैग कहीं से डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना, ऐसा नहीं करना है, बल्कि टैग अच्छा लगाना है। तो ये दो चीज हुई जिसमें टैग आपको लगाना पड़ेगा अच्छा। और थर्ड चीज ये है कि जो वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने का जो कारण होता है, ज्यादा व्यूज आपको देंगे वो होता है थंबनेल। थंबनेल में लोग क्या करते हैं, बनाते तो है, लोग कहते हैं अट्रैक्टिव बनाओ अट्रैक्टिव बनाओ, कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, अट्रैक्टिव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कुछ आर्टिकल उस पर लाके लिख देते हैं, और आर्टिकल को सिंपल तरीके में मतलब जो भी कुछ लिखना हो जिसके बारे में बताना हो वो ऐसा लिख देते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या, और इतने ज्यादा लिख देते हैं कि लोग पढ़ते ही नहीं है। तो आपको टैग में क्या करना होगा, जो सॉरी थंबनेल में, कि आपको जो लिखना जो है उसको ज्यादा नहीं लिखना, बस दो या तीन लाइन लिखना है, और छोटी छोटी लाइनें लिखनी, बड़ी लाइनें नहीं लिखनी है, और उसको हाईलाइट करना है बैकग्राउंड को, और जो उस पर आपने फॉन्ट यूज किया फॉन्ट भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, फॉन्ट में जो आपने कलर यूज किया वो कलर भी अच्छी होनी चाहिए। और इस जो थंबनेल बनाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आती है जिसमें आपको अच्छे अच्छे फॉन्ट और उसके बाद जो कलर प्रोवाइड किया जाता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप इसमें आपको करना क्या होगा कि उसमें थंबनेल में आपको एक फोटो भी जो आप अपनी फोटो जो है अपनी पिक जो है उसको आप जरूर थंबनेल में एक लगाइए। जब पिक लगाएंगे तो आपकी वीडियो जो वायरल होगी तो आपको पहचाना जाएगा, और उसके बाद आप कोई वीडियो जाएगी तो कहेगा यार हमने तो इनकी वीडियोज देखी थी, चलो ये भी देख लेते क्या इससे भी कुछ मिल जाए। तो अपनी एक फोटो उसमें जरूर लगाइए, और जो भी आप उसमें आर्टिकल राइट करें तो उसमें आपको जो है फॉन्ट अच्छा यूज करें, और उसमें ज्यादा जो आर्टिकल आप उसमें ना लिखिए, और उसको जो हाईलाइट जरूर करिए। तो थर्ड चीज है कि आप थंबनेल जो जबरदस्त बनाइए जिसपे लोगों की नजर जो ज्यादा पड़े। और चौथी चीज जो ये भी हाथ होता है आपके चैनल को ग्रो करवाने के लिए, तो चौथी चीज वो ये है कि आप डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वीडियोस के बारे में कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद जो आपने टैग में यूज किया उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में डालिए। और उसको डालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऐसे नहीं डाल दीजिए मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए कि जो टैग आपने डाला है उसमें डायरेक्टली जो भी कुछ लिखा है उसको आप नहीं डालिए, बल्कि आप वहां पे आप लिखिए कि पहले योर क्वेरीज या योर क्वेश्चन इस तरह लिख करके, उसके बाद जो नीचे जो आपने टैग हमने बताया उसी टैग को पूरा आप ला के रख दीजिए यहाँ पे, ज्यादा ना डालिए, बहुत 10-15-20 डाल लीजिए, ज्यादा डालेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन योर क्वेरीज यार योर क्वेश्चन ये जरूर डाल के आप जो है उसको डालिए। तो ये भी चीज जो है आपकी वीडियो को रैंक करवाती है और बहुत मदद करती है। ज्यादातर वीडियो मेरे देखिएगा कि मैं इस तरीके से किया और वो मेरी वीडियोस जो रैंक करी है, मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन फिर भी जो मेरी वीडियोस में व्यूज जो अच्छे आ रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, जो सब्सक्राइबर के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा जिनके पास 10,000 सब्सक्राइबर है उनको 1,000 जो है व्यूज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। तो आप जो मैंने स्टेप बताया जिसमें आपको जो सबसे पहले आपकी टॉपिक अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जो उसमें टैग लगाइए, अच्छी टैग लगाइए जहां से आप दो चार को एप्लीकेशन से ले लीजिए और दो चार अपने से बनाइए, और तीसरी चीज ये है कि आप जो थंबनेल क्लिकेबल जबरदस्त बनाइए, क्लिक बेट हल्का लगाइए ज्यादा ना लगाइए, क्लिक बेट भी करिए लेकिन थोड़ा सा करें ज्यादा नहीं, और चौथी बात यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो आप जो टैग लिखे हैं टैग में जो टैग लिख दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी हल्का सा डालिए योर क्वेरीज करके। ये तो चार स्टेप है, आप इसको आप करिए रेगुलर 5-10 वीडियोस में, और आपकी वीडियो रैंक नहीं होगी तो फिर आप मुझे बताइएगा, और मैं कहता हूं 100% आई एम श्योर आपकी वीडियो जरूर रैंक करेगी, और जब रैंक करेगी तो आपके चैनल में व्यूज आएंगे सब्सक्राइबर आएंगे सब कुछ आपको आसान तरीके से पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको बताया सारे स्टेप आप करिए और आप भी चैनल को ग्रो कर लीजिए। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को अब यहीं से हम खत्म कर लेते हैं।